कनक भावा कि कांट के हार से प्यार करते हैं जो फूल भी गाते हैं उनके गुणगान को जिनकी पूजा है नर सेवा संसार में उनका व्यक्तित्व प्रिय होता भगवान को ना जब उस पर जमाना करेगा सदा जिसने दौलत की दरिया में डाला है रेती उसका खाली अच्छा को तो होगा नहीं प्रेम से जो किया है मुहब्बत की खेती ऐसे लोग भैया एक बाल भाई ऐसे लोग उनके लिए कहा है कि ना जब उस पर जमाना करेगा सदा जिसने दौलत की दरिया में डाला है रेती उसका खाली अच्छा कोस होगा नहीं प्रेम से जो किया है मुहब्बत की खेती एक लाइन बड़ी मार के कहो का यहाँ में इन नई गजल हो का कि दूसरों के लिए जो रोता है I'm not.
बाप का हाथ फेल हो गया, हाथ फेल हो गया। वो लड़की अपने पिता को याद कर रही है और रो रही है कि प्रभु ये हमारे जिंदगी में कहा कर दे बेटी रो तस्वीर असल पीर परख बबिता की दिया सही तकदीर बदल।
फौरन 20 मई 89 को शादी की पड़ी लगन, अब बरबस 19 मई 89 को रोती थी भाभी दुल्हन। नतीजा निकला कि लड़कवा अपने हाथ जाके लगन निकल ओलस, लगन निकलवा के लगन पत्रिका अपने ससुराल भेजवा दल, लिखवा के कहो भेजोले बाप कि मेरे पिताजी नहीं चाहते लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ, बारात लेके आऊंगा, व्यवस्था ठीक रखिएगा। और अपने पिता से कहा कि बाबूजी मैंने लगन पत्रिका भेजवा दी अपने ससुराल, अब 20 मई का लगन निकला है, अपन व्यवस्था जो करे कोई बाजा गाजा तो कह लिया, और नहीं तो बिना पालकी के छुछिया जाए कोई तब वो हम चल जाए बिहवा वही से करो। यहाँ तो तय हो गल और लगन पत्रिका जब मिलल है ए भैया तो कल शादी 20 मई की, 19 मई के शाम वो लड़की जो है अपने पिता को एक बात पुनः याद करती है कि आज बाबू रतन कितना खुश होते तो घरवा में ठाकुर जी का घर रहन, और ठाकुर जी घरवा में आके ठाकुर जी के आगे रोत बाप, लेकिन कैसे रोत बाप, अरे बाबा के के
दिया चारावा दिया नवा पड़ी गई ले। अरे जर लगल देहिया टूटल तारा मिलिया। आ चारावा उड़ के कुछ का के घीव के दिया जर से ओकरा चारावा सुतला में उड़ के जाए कोई देवा पड़ गए। आ चारावा धल ले धीरे धीरे साड़ी धल ले। साड़ी जब धल ले से जरे लगल तो देहिया जरे लगल। आ जब दे जरे लगल तो कर नींद टूट गई और कहीं अकेल नहीं और बात चिल्लात बा वही कमरा में। और जब तक लोग जुटे इकट्ठा हो तब तक भैल का कि अगिया लगा लैसन जर गए करमावा हो। अरे भैली बेहोश बबीता बिहने बात दिया। सवेरे होकर कल शादी बा और रात में जल के जब बेहोश हो गई सब लोग के हॉस्पिटल पहुंचा दे। हॉस्पिटल में पहुंचावल गई सवेरा भैल। सवेरे सवेरे दूसरे दिन जब बारात आ गई है। अरे बारात लेके आ गई है बिहानावा दूल्हे ला जाओ। और जाए लग चाहे बबीता के परनावा दूल्हे ला जाओ। बारात आ गई गांव वाले कलंक रे भैया हरे जौने दूल्हे खातिर के इतना प्रयत्न कैला ओ दूल्हे के तो कल रात में आग लग के शरीर जल गिल बाबू हॉस्पिटल में पड़ल बाप। दूल्हा का बाबू कलन की देखला मने के लिए मनला ना देखे मौरिया उर्फ एक समझावा नहीं बचावा मनला ना ही पतिया हो। आया बही से गनीमत वापस ले चला परतिया हो। दूल्हा बाबू कहने की मने के लिए मनला ना अब ही गनीमत हो अब ही से परतिया लौटा ले चला। अब तो इतना भल भाई आगे न जानी का होए वाला बाप। अरे दूल्हा कहे कि छोड़ब ना ही मनावा दूल्हे राजा हो। और जन्म जन्म का टूटी ना बंधनावा दूल्हे राजा हो। कहे कि घरे चल चला वापिस बारात लेके लड़कवा कहत की बाबू एक बात सुन ला कहे का चाहे सूरज पूरब डूब जाए और चाहे पश्चिम हो या बिहार चाहे धरती धर पर छोड़े चाहे सूखा सिंधु महान चाहे धुआं धूरी से कर जाए कलई न जो सच्चाई न अरे दुख में दुलही छोड़ न जाइबा बापू सुन ला मोरैया बबीता के डर लाग मिली तो हसी के करबै संतुर दान। बाबू अबे पता लगे तो ओकर सांस चलत जौने दुलही के साथे लमार लगन रख गई ओकर अभी जिंदगी जियत हुई तो के बिना सिंदूर दान कैले जाब न। और अगर जिंदगी ओकर सांस टूट गई हो तो करे लाश के सिंदूर पहिरा को के अभागिन न होए दे दुनिया में कहला। अरे कहले नरेश का कलेश मुरे बाबू त्याग हृदय से अपन स्वार्थी विचार त्याग हृदय से अपन स्वार्थी विचार अरे शादिया विवाह रोज रोज होला बाबू अरे जिंदगी में मिला जीवन साथी एक शादिया विवाह रोज रोज होला बाबू जिंदगी में मिला जीवन साथी एक एक बात समझ ला कि जवने जीवन साथी साथी पड़ गई लगनिया पहले पहले बबकर के हुरा लीला अनाव की अभागिन होए देव दुनिया में हम महू के स्वार्थी कही न सनता बिना सेनुर के मर जाई ते अभागिन हुई। और हम दुनिया में के अभागिन न होए देव। और सबसे बड़ी बात कि अपन हूं के ये जमाना स्वार्थी न कही यही लोग कहें कि सुख का साथी रहन दुख का साथी ना भैलन। एक बात बाप कि अरे गईला अस्पताल साथ दूल्हा बरतिया आधी बदनिया रहनी बबीता के बेटा हॉस्पिटल के कर्मचारी देख के मनाता
शादी का व्यवस्था कई है। नरेश गेलन हॉस्पिटल, बराती भी साथ में गेलन, और जब पहुंचल हॉस्पिटल के पास डॉक्टर पूछल की कैसी भी है, लोग बतौलन की वही आदमी है जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी, आज बारात आई है। कलन भैया बारात यहाँ हॉस्पिटल में, कलन की बारात तो आई थी उसके दरवाजे, लेकिन वो दुल्हन जब यही है तो दुल्हा यही आया है उससे मिलने के लिए। डॉक्टर साहब कलन की रुक जाइए जरा, अभी उस लड़की से हम बात कर लेते हैं। कलन की बेटी, जो जो आदमी से तेरी शादी होने वाली थी वो आए हैं तुम्हें मिलने के लिए। कल इतना नाम उनसे कहता कि हम उनके ठीक टाइम पर सिंदूर दान करब, जो टाइम का लगन निकल वही समय पर सिंदूर दान करब। आप पूछला मंजूर है? लड़की कलत की यही दिन के लिए संसार में जन्म पौली, यही दिन के लिए दुनिया में तरसत रही, और आज वो दिन आ गए तो उनसे कहता कि जिंदगी हो ना रही, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, कोनो ठिकान नहीं बस जीवन के, तो एक बार हमके ऐसे मनुष्य के दर्शन करा दे जे कि हमारे खातिर इतना कुल खेलन। डॉक्टर साहब बुला के जब नजदीक गेलन नरेश के, पंडित जी साथ में गेलन, सिंदूर साथ साथ रहल, और वो कह रही है अरे रो रो बोली बबीता रानी, झर झर गिरे नयन से पानी, हमारे माई में सिंदूरवा सवारा सजना। वापस हो गई बेअसीस मनमानी, अस्पताल में दुल्हा रह गए थे दाना पानी, दुख में छोड़ रहना सहरवा समारा सजना। ए भैया तो सिंदूर दान के लिए, सिंदूर दान के बाद बाराती लोग आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे के सब लोग अपने अपने घरे जाए लगे। दुल्हा के बाबू कलन की बचवा आप तो अपने मन के कह लहला, सिंदूर पहरा दिलाए अब चल चला घरे, जन होए करल तन होए गए और चला चली। कलन के बाबू एक बात बताई, बराती लोग अपने घरे जाएं और तो जाए अपने घरे में समझला तो आज बेटवा मजे में बात को हर्जा ना बा, लेकिन एक बात याद कहला कि जो अभी तक तो हमार बात चलत रह, आज उसके सिंदूर पहरा दे तो हमार सुगह की दुल्हन हो गई, तो एक बात बताओ कि जेकर दुल्ही अस्पताल में मरत रही वो घरे जाई या क्योंकि दवा दर्पण करी, तो तू जा तुहार बेटवा मजे में बा, हमार दुल्ही अभी दुख में बा, हम तुके छोड़ के ना जा। ए भैया वही जगह रह के दवा दर्पण कैलन, सेवा सत्कार कैलन, फल फूल जो जरूरत पड़े वक्त वक्त पर देत रहल, के पिता नहीं रहल संसार में अनाथ रहल, और जब ओकर मदद कैलन है और मदद कैले के नतीजा ही निकलल कि डॉक्टर लोगन का व्यवहार देख के अपन ज्यादा ज्यादा समय लड़की के पास देवे लगलन और दवा दर्पण में समय ज्यादा देवे लगलन, नतीजा निकल कि उनके सेवा का फल मिलल। का कि स्वस्थ हो गई बबीता दुल्हन, स्वस्थ हो गई बबीता दुल्हन, नरेश चले लिया आई, स्वस्थ हो गई लड़की, अच्छी हो गई, हॉस्पिटल से निकल तो गांव आई और गांव के लोगन से आज विदाई मांगत बा कि हमारे पिता नहीं हमन, सब गांव के लोग हमारे भाई पिता से बन जा, तो स्वस्थ हो गई बबीता दुल्हन, नरेश चले लिया आई, अरे खुशी होई के गांव के लगावा हंस के कर विदाई, सिंदूरा चमका लाली मारा सवारा सजना। गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंडिका नदी पर जनदी बन पुजारी, बेचारी कैसे काटी दिनवा, राम देव कबीरामा का बात है ले खाटी, बेचारी कैसे काटी दिनवा।